अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हम सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है वो नक्शा बना कर दें, जिसका साइज़ उन्होंने बताया था 19 फीट इसका फ्रंट है, 19 फीट, और जो है वो 42 फीट इसकी लंबाई है। तो मैं पहले जो है मार्किंग करूँगा, जो भी भाई मुझसे नक्शा बनवाना चाहता है वो जो है वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जो है वो उनको जल्दी रिप्लाई दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ बैक साइड से शुरू करूँगा। ये आपका रूम आ गया, रूम। उसके बाद ये आपका बात आ गया, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि यहाँ पर आपको जो है वो क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हो सकती हैं। ये आपका किचन आ गया, ये आपका रूम आ गया। साइज जो है वो मैं बाद में मेंशन करता जाऊंगा। ये आपकी स्टेयर्स आ गई, सीढ़ियाँ, स्टेयर्स। ये आप इसको आप टीवी लाउंज भी कह सकते हैं, गैलरी भी जो है वो कह सकते हैं, टीवी लाउंज जो है वो ये आपका आ गया। अब अगर साइज की बात की जाए तो ये आपका जो है रूम काफ़ी बड़ा है, जिसका साइज़ है 12 बाई 12 का आपका जो है वो रूम बनेगा। उसके बाद ये आपका बाथ आ गया, अटैच बाथरूम है, जिसका साइज़ है 6 बाई 5.2, 5 फुट 2 इंचेस। उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो आपकी जगह बचेगी 6 फिट की, मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि आपकी जो पूरी आउट लाइन है ये 9 इंचज़ की है, पूरे घर की जो दीवारें हैं वो 9 इंचज़ की है। ये वाली आपकी दीवार जो है वो 4 इंचज़ की आएगी, उसके बाद ये वाली दीवार जो है ये आपकी 4 इंचज़ की आएगी। मैंने इस हिसाब से जो है वो कैलकुलेशन की है। ये आपकी जो 6 फिट की जगह बनती है, आप मेरी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है रूम की ड्रेसिंग भी जो है यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको दो फायदे मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो किचन और बाथ को एग्जास्ट देना है वो नीचे से आप उठा कर लेकर जाएं। अगर आपकी 10 फीट हाइट है तो आप तकरीबन 5 फीट जो है वो नीचे, 5 या 6 फीट जो है वो नीचे ड्रेसिंग बना सकते हैं, ऊपर जो है वो आप किचन और बाथ को एग्जास्ट दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी, एग्जास्ट भी मिल जाएगा, नीचे जो है वो अलमारी ड्रेसिंग वगैरह भी जो है रूम के लिए आपको मुयस्सर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर दरवाजे भी मेंशन करता चलूँ, यहाँ पर जो है वो आपके दरवाजा आएगा। इसमें आप रद्दबदल थोड़ी बहुत जो है वो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने यहीं पर रखनी है। ये आपका दरवाज़ा आ गया, ये आपका किचन आ गया, किचन और बाथ को जो है वो यहाँ से एग्जास्ट मिलेगा। इसका जो साइज़ है वो 8 बाई 10 का जो है वो किचन है। उसके बाद आपका रूम आ गया, रूम आपका 10 बाई 10 का काफ़ी बड़ा रूम है। अगर जगह के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी जो है वो आपका बड़ा रूम है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो है वो सीढ़ियाँ आ गई। यहाँ पर भी मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप क्या क्या चीज़ जो है वो यहाँ से पूरी कर सकते हैं। ये आपकी स्टेज आ गई, आसानी से आपकी जो है वो सीढ़ियाँ यहाँ बन जाएंगी अगर कोई कारीगर बंदा हुआ तो। ये आपकी जो है वो सीढ़ियाँ आ गई। अब इसका साइज जो है वो
अब यहाँ पर जो है वो आप एक जो है वो पूरे घर के लिए बात भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके स्टेप्स जो है वो यहाँ से लैंड करेंगे, यहाँ पर आपकी चौकी बनेगी और यहाँ से आपके जो है वो छत पर जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो है वो छोटे सा बाथ बना सकते हैं अपने घर के लिए, और यहाँ पर जो है वो आप नीचे लॉन्ड्री वगैरह का जो है वो सामान रख सकते हैं। उसके बाद ये आपकी टीवी लाउंज आ गया। टीवी लाउंज का जो साइज़ है वो 6 बाई 9 फीट। तो ये था आपका नक्शा। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो नक्शा पसंद आया होगा। अगर इस हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। नक्शा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई भाई नक्शा बनवाना चाहता है तो वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताए, मैं इंशाल्लाह उनसे जो है वो जल्द उनको रिप्लाई दूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।